The lack of awareness on the legal aspects within our society is a matter of concern, which has to be eradicated through appropriate awareness. To tackle this issue, Maulana Zahiruddin Qadri organized a legal awareness workshop in Bangalore. Speaks on how the workshop was a success, as the feedback from the participants were highly positive. इंसान कोई भी हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, तो उसे उस मुल्क की मोहब्बत जरूरी है और उसी मुल्क की इज्जत जरूरी है और इसी तरीके से उस मुल्क के कानून को भी जानना जरूरी है। तो लिहाजा हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसकी कदर करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, तो इसी तरीके से इसके कानून को भी हमने जानते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए शहरी हिंदुस्तान बेंगलोर के नाइन हंडी इलाके में नॉलेज पॉइंट एजुकेशन में हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी नौजवान आए, जिसमें हिंदू भाई भी थे, क्रिश्चियन भाई भी थे, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम सब मिलकर माशाल्लाह ये लीगल अवेयरनेस में हाजिर रहे। और हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज से लीगल अवेयरनेस को बताया, फीडबैक बहुत अच्छा मिला, जिसकी वजह से नौजवानों ने कहा कि इस सेक्शन को और बढ़ाएं, हम लोग अपने कामों को छोड़ कर आएंगे। कई लड़के आकर कानून को सीखने के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए हाजिर हुए, बड़ी खुशी की बात रही। बरोज़ जुमेरात 27 जुलाई हमारे इलाके नाइन हंडी के अंदर बहुत अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहा, जिसमें हाईकोर्ट के एडवोकेट अली जनाब अनवर अली दिलावर साहब, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की, लॉ के ताल्लुक से उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, बड़े अच्छे तफसील से उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया, जिससे स्टूडेंट्स और लोगों के महल्ले के जितने भी नौजवान हजरात थे काफ़ी मुतासिर रहे। मैं गुजारिश करता हूँ कि दूसरे महल्ले के जितने हजरात थे उस तरह से इस तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें, ताकि लोगों में कानून के ताल्लुक से बेदारी पैदा हो, वो मालूम भी हो जाए। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट अनवर अली साहब को अल्लाह ताला जिंदों की राज्यों की तरफ देगा। Advocate Anwar Ali, who conducted the legal awareness workshop, emphasizes his belief that it is his responsibility as a lawyer to impart basic legal awareness, thereby contributing to the society's better understanding of legal matters. सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उन ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने बेंगलोर में दीपांजलि नगर में लीगल वर्कशॉप कंडक्ट किया। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम लोगों तक जो है कानून को पहुँचाएं और लोगों को बताएं कि आपके बेसिक राइट्स क्या है, आपके बेसिक ड्यूटीज़ क्या है। हम हमेशा राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ड्यूटीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। तो लोगों को ये अवेयर करना भी ज़रूरी है कि आपकी ये भी जिम्मेदारियाँ हैं जो आपको सोसाइटी की तरफ करना है। उस हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताया, CRPC क्या होता है, IPC क्या होता है, फिर FIR का प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट किस तरह से किया जाता है, चार्जशीट कब होती है, फिर केस का ट्रायल किस तरह से कोर्ट में कंडक्ट किया जाता है, इन सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को लोगों को पहुंचाने की हमने कोशिश की। हमारे ऑडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 6 स्टैंडर्ड एंड अबव हैं, वो सारे बच्चे थे, ताकि उनको हमको बताना ज़रूरी है कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में किस तरह से रहना है, आपको किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है, आपका कंडक्ट सोसाइटी में कैसे होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में थ्रू लीगली कैसे होना चाहिए,